हमने सपना देखा है, किसानों की आय दोगुनी करने का, आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा है। आत्मनिर्भर सिर्फ एक शब्द नहीं, यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश और देशवासियों के हित में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर कृषि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत 4 सालों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 2020 से 21 में 10,000 करोड़ और आने वाले वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। साथ ही 7 वर्षों के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी की सुविधा दी है। इस योजना पर सभी बैंक्स MOU साइन करके योजना से जुड़ चुके हैं। ऋण देने वाले इन बैंकों के लिए क्रेडिट गारंटी सुविधा का प्रावधान भी किया गया है। इस योजना के तहत पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए किसान भाइयों को उत्पादों को सही दाम पर बेचने की आजादी और आय का स्थिर साधन मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इस योजना के तहत नाबार्ड 2020-21 के दौरान 5,000 करोड़ रुपए के रियायती ऋण देगा। केंद्र शासन द्वारा दिए जाने वाली ब्याज सब्सिडी तथा नाबार्ड द्वारा दिए जाने वाले रियायती ऋण के फल स्वरूप प्राथमिक कृषि ऋण समितियों अर्थात पैक्स को केवल 1% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा। इस योजना को मंजूरी 8 जुलाई 2020 को दी गई थी। 1 महीने के भीतर ही नाबार्ड ने 2,280 से अधिक कृषि संस्थाओं के बीच लगभग 1,000 करोड़ रुपए की ऋण व्यवस्था की है। भारत सरकार की ये योजना जहां किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी, वहीं उनकी आय दोगुनी और खुशियां चौगुनी करने में भी मदद करेगी। आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत।